नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ग्रेड की एग्ज़ाम लग चुके अभ्यर्थियों के लिए है। तो आपको सबको ये पता चल चुका है कि सेकेंड ग्रेड का सिर्फ एक पेपर लीक होया है और उसकी एग्ज़ाम 29 जनवरी को फिर से होने वाली है। लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं, जो प्रमाण मिले हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि जो एग्ज़ाम का एक पेपर नहीं होगा बल्कि पूरे ही पेपर होने की फिर से चांस है। क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक ही पेपर लीक हुआ नहीं है बल्कि पूरे पेपर ही लीक हुए हैं। तो एक एक करके मैं आपको सारे प्रमाण बताता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले 24 तारीख को फर्स्ट पेपर जीके का लीक हुआ। उसमें ये बताया गया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो वो जाकर के बस में देखते हैं कि पेपर उनको मिला, लेकिन कंफर्म करने के लिए उन्होंने इस बात को रोके रखा। और जैसे ही पेपर 9 बजे खुलता है तब पुलिस को कंफर्म हो जाता है कि ये जो पेपर है वो वाकई में एग्ज़ाम का पेपर है। तो उसको RPSC के सचिव से कह करके फ़ोन करके उसको रद्द करवा दिया गया। फिर इसके बाद में पता चला कि जिस बस में ये पेपर मिला था उस बस को 3 दिन तक, यानी 20, 21, 22 और 23 तारीख को रात में ट्रेवल करते हुए देखा गया था। तो इससे पता चलता है कि तीनों दिनों का पेपर भी लीक हुआ है। फिर आगे पता लगा कि जो इसका जो एक और सेंटर था होटल में भी चल रहा था इसकी पेपर लीक की जो तैयारी है, स्टूडेंट को पेपर सॉल्व कराया जा रहा था होटल में भी। तो इस तरह से तकरीबन 55 स्टूडेंट थे जो पेपर सॉल्व कर रहे थे और अपने अपने सेंटरों पर जाकर के एग्ज़ाम दे रहे थे, देने वाले थे, लेकिन उनको पहले से ही पकड़ लिया गया था। और ये पेपर 10-10 लाख रुपए में बेचा गया था। इसलिए आप सबसे यही कहना है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी फिर से करें, क्योंकि धीरे धीरे करके एक एक आंकड़े निकल करके सामने आएंगे और ये सारे आंकड़े उस तरह पे संकेत करते हैं कि सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम फिर से होगी। क्योंकि इसमें जो लड़कियां भी पकड़ी गई है, इसमें 6 से 8 लड़कियां बताई जा रही है और उनको 3 दिन के रिमांड के लिए रखा गया है, जो महिला अभ्यर्थी है उनको, और जो पुरुष अभ्यर्थी है उनको 10 दिन के रिमांड पर रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि बहुत से आंकड़े सामने आएंगे और पेपर दोबारा से होगा, ये पूरा चांस है। इसलिए आप फिर से तैयारी करें और अपनी तैयारी को, रिवीजन को बराबर बनाए रखें। और इसके साथ ही जिन्होंने रीट का भी फॉर्म भर रखा है उनकी भी एग्ज़ाम आने वाली है। तो आपके सामने ये बड़ी समस्या है कि इसमें अब आप तैयारी किसकी करें, सेकंड ग्रेड की करें या फिर रीट की करें। तो ये बड़ी कंफ्यूजन की बात है कि आपके सामने एक संकट है जिसमें ये तय करना बड़ा कठिन हो गया है कि इसमें अब दोनों में से किसकी तैयारी करें। क्योंकि एक की तैयारी करोगे तो दूसरा चांस निकट जाएगा और सेकंड ग्रेड की होने की चांस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन जहाँ तक मानना है कि ये एग्ज़ाम फिर से होगी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।